The cost of an article was ₹15,500. ₹450 were spent on its repairs. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. Article cost price दिया हुआ है. Cost price of article equal to कितना है? 15,500. Repair amount दिया हुआ है. Repair amount equal to ₹450. टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो गया 15,500 प्लस 450 है जो रिपेयर अमाउंट लगा, तो हो गया 15,950 रुपीज ये. और 15% प्रॉफिट के सोल्ड पर बेचा गया. तो मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100. तो जब कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 15% प्रॉफिट पर 100 प्लस 100 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 115 रुपीज ये हो गया. तो when cost price equal to 100, then selling price equal to कितना है? 115. तो when cost price will be 1, selling price will be 115 divided by 100. When cost price is 15,950, तो selling price कितना हो गया? 115 divided by 100 into 15,950 ये हो गया. Equal to इससे ये हो गया. और इसको अगर आप गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 18,342.5 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू क्या हो गया? 18,342.50 रुपीज. तो ये हो जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस इसका. तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं.